यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच विकास कार्यों की बौछार शुरू हो गई है, जिसको लेकर लोकार्पण व शिलान्यास का दौर शुरू हो गया है। यह बात अलग है कि काम हुआ या नहीं, कोई नहीं जनता, यह मामला यूपी के फतेहपुर जिले का है, जहां आपको हम बता दें कि जिला पंचायत द्वारा जिले में सड़कों के निर्माण सहित कई कामों का, जिसकी लागत 28 करोड़ 75 लाख की है। जिला पंचायत परिसर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकार्पण किया। वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि नकली गुलदस्ते भी बाजार में बिकते हैं, एक असली गुलदस्ता होता है जिसमें खुशबू होती है, और वह जहां रखा जाता है उसमें खुशबू होती है, जहां जो गुलदस्ता बन रहा है ना जिसमें वैसी, जैसे लोग इत्र छिड़कने आ रहे हैं। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की फतेहपुर की इस खबर पर नजर, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। यार आज इस कार्यक्रम से ये पूरे जनपद पर एक संदेश जाने का काम, ऐसे बड़े भाई, क्योंकि बड़े भाई के हमारे इस पर तर्क दिया है अखिलेश ने कि बीजेपी जितनी भी हवाई अड्डे बनवा रही है उसे बेचने के लिए बनवा रही है। अब नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ठीक। अब जिनको करना नहीं आता तो करे कराए में बोलना ही है, कुछ तो बोलना है ना। अब मौन भी नहीं रह सकते, जनता के बीच में संदेश अभी देना है कि हम भी बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, यही काम, ये जेवर का जो एयरपोर्ट का है ये शुरुआत 14 से शुरू हो गई थी, चाहते तो ये श्रेय ले सकते थे, तुमको किसने रोका था भाई, प्रस्ताव करके भारत सरकार को भेजते, इंटरनेशनल ये एयरपोर्ट बन रहा है तब भी कर सकते थे, कुशीनगर के लिए भी पहले से शुरुआत थी, तब क्यों नहीं कर पाए। यदि योगी जी कर रहे हैं तो तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा था, सरकार तुम्हारे साथ भी खड़ी हो, लेकिन तब तुम्हें लग रहा था कि हम कोई काम करेंगे तो मोदी जी का नाम होगा। अरे भैया, नाम किसी का हो, विकास तो प्रदेश का होता ना। मेट्रो का उद्घाटन कर दिया, मेट्रो चली नहीं थी। अब वही बात है, मैंने पहले भी कह दिया, ना चुनाव है आंगन टेढ़ा। अब 22 का चुनाव आ रहा है तो अब बोल रहे हैं, सभी छोटी छोटी पार्टियों का एक गुलदस्ता बना रहे हैं जो विकास में क्लियर आगे काम करेगा। आप सिंगल है, भाजपा सिंगल है, कोई विकास नहीं। एक बात मैं बता दूं, मैं कभी कभी नकली गुलदस्ते भी बाजार में बिकते हैं, एक असली गुलदस्ता होता है जिसमें खुशबू होती है और वो जहाँ रखा जाता है महक उठती है, और ये जो गुलदस्ता बन रहा है ना वैसी, जैसे लोग इत्र छिड़कने आ रहे हैं, तो अपने आप 2 दिन में सड़ जाएगा। अब सत्ता के लिए कुछ भी करें, लेकिन 22 में सरकार नहीं आने वाली, उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हम लोग काम के बल पर जा रहे हैं, हमने काम किया है। यदि मैं देखूं आज कोविड जैसी महामारी इन लोगों के समय आई होती तो लोगों के चूल्हे नहीं जलते, लाइट की क्या स्थिति थी फतेहपुर में। आप मैं बताऊं कि मेरे पास दिन भर 100 में से 90 लाइट के लिए ही फोन आते थे, इतनी स्थिति खराब थी। काम क्यों नहीं होने दिया था। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना 16 में लागू हो गई थी, लेकिन इन्होंने 17 तक उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने दिया था। पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना ये 15 में 14 में ही लागू हो गई थी, इन्होंने लागू नहीं होने दिया था। क्यों, उसमें मोदी जी का नाम जुड़ता, तुमने प्रदेश की जनता का हनन किया था विकास के नाम, जनता अब तुम्हें देने वाली वोट नहीं है। खाली समस्या पर सवाल उठाया, एक बहुत अच्छी पहल, सामूहिकता में जिले का विकास जिला पंचायत के द्वारा जो हो रहा है, उसमें जिला पंचायत सदस्य, विधायक और मेरे सहित लगभग यहाँ सारे जनप्रतिनिधि थे, और एक सामूहिकता दर्शाती भी है, जब कोई काम सामूहिकता में होता है तो दिखाई भी पड़ता है। मैं अभिनंदन करती हूँ अभय प्रताप जी का, जिन्होंने इस पहल की शुरुआत की है। 2015 के बाद जिला पंचायत से भी काम कुछ हो सकते हैं, 2015 के बाद दिखाई पड़ा। पहले 2015 के पहले
जिला पंचायत ब्लॉक का प्रधान जी का पता ही नहीं चलता कि ये सड़क किसकी है। और ये बात सही है कि जियो टैगिंग के बाद ये एक पारदर्शिता भी आई है और ये होना भी चाहिए। नहीं, एक सड़क में तीन तीन बार पैसा निकल जाए और गांव का विकास ना हो, ये बहुत दुर्भाग्य रहा पंचायती राज लागू होने के बाद। और मैंने अपनी स्पीच में कहा भी कि पंचायती राज विभाग में जितना पैसा आता है, चाहे प्रधानी में हो, ब्लॉक में हो, जिला पंचायत में हो, मुझे लग रहा है कि गांवों का नर्क खत्म होना चाहिए। वो चाहे मनरेगा से, चाहे राज वित्त से, चाहे पंद्रहवें वित्त से, चाहे जैसे हो, उसका काम होना चाहिए। हमारा कुछ नहीं है, 5 करोड़ आता रहा है तो भी हमारा कहीं ना कहीं गांव में काम दिखता है, चाहे वो सड़क के रूप में हो, बरातशाला के रूप में हो, चाहे लाइट के रूप में हो, चाहे हैंडपम्प के रूप में हो। ये काम करने का एक तरीका है और मैं तो इतना मानती हूँ कि आज जो ये शुरुआत की है जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप जी ने, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। कम से कम लोगों को भी ये मालूम हो कि एक साथ जिले में 28 करोड़ के ऊपर का काम हो रहा है। ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि जिला पंचायत काम कर सकती है। आज़ादी के बाद से बहुत सारे अध्यक्ष हुए हैं लेकिन मुझे कहीं नहीं सड़क में दिखाई पड़ता। 2015 के बाद जब से पप्पू सिंह ने इसको संभाला तब से काम दिखाई पड़ रहा है। और आज हमारे सारे विधायक यहाँ थे, मैं इतने कहूँगी कि जिला हमारा सब प्रतिनिधियों को लेकर के चल रहा है। सारे प्रतिनिधि जब अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे तो अपने आप काम दिखाई पड़ेगा।